Hyundai Genesis। ये एक ऐसा ब्रांड है जिसको सस्ते में बेंटली भी कहा जाता है, क्योंकि इस ब्रांड की गाड़ियों में आपको बेंटली से 110 दाम में आपको बेंटली वाला मुझे मिलता है, और जो लुक्स है वो भी काफी लक्सी है। और इस ब्रांड की एक नई एसयूवी गाड़ी लॉन्च हुई है जिसका नाम है GV70, जो कि आप कह सकते हैं कि 50 लाख के आसपास की गाड़ी है, जिसमें आपको बायोमेट्रिक सेंसर मिलता है, आपको ऑग्यूमेंटेड रियलिटी वाली नेविगेशन मिलती है, और साथ ही में इस गाड़ी में आपको लॉन्च कंट्रोल मिलता है एक स्पोर्ट्स कार की तरह। और आज के एपिसोड में इस गाड़ी के बारे में बात करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर आप आते हैं GV70 के बेस्ट पार्ट में, जो कि इस गाड़ी का इंटीरियर है, जिसमें आपको बहुत ही बढ़िया लग्जरी मिलती है। और आपके सामने चार गाड़ियों के इंटीरियर आ रहे हैं, जो कि जेनेसिस GV70, ऑडी Q5, मर्सिडीज GLC और बाकी BMW X3। और आपको कमेंट्स करके बताना कौन सा बेस्ट लगता है। ऑफ कोर्स जो बेस्ट होने वाला है वो है GV70, जिसमें आपको जो क्वालिटी मिलती है एकदम बेस्टिंग क्लास मिलती है, जो कि आपने शादी की और गाड़ी में देखी है उसके आसपास के दाम में। इस गाड़ी में इसके डैशबोर्ड में आपको 14.5 इंची का एक टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है, जो कि काफी एडवांस है, जिसमें आपकी गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और ऐसे बढ़िया सा एकदम एडवांस सा। और साथ ही में इस गाड़ी में आपको डुअल जोन एयर प्योरीफायर मिलता है, और इसकी वजह से किया फैन बॉयज एकदम ऐसे दुखी से हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक ही चीज़ है दिखाने के लिए। थर्ड, इस गाड़ी के अंदर आपको जो क्वालिटी मिलती है एकदम बेस्टिंग क्लास है, जिसमें अगर आप इसकी सीटें देखेंगे तो उसमें आपको ऐसे क्विल्टिंग मिलती है, जो कि ऐसे काफ़ी बढ़िया सी लगती है बेंटली वाली। इसमें आपको वेव लाइक लाइटिंग मिलती है, जो कि जेनेसिस कहते हैं, जिसमें इस गाड़ी में आपको जो एम्बिएंट लाइट मिलती है इसके दरवाजों पे और बाकी इसके डैशबोर्ड में, ऐसे वेव जैसी है, जो कि ऐसे नेचुरल सी लगती है, और मुझे नहीं पता नाम कैसे दिया है। जेनेसिस ने इस गाड़ी के इंटीरियर को प्यार से नाम दिया है द ब्यूटी ऑफ वाइट स्पेस, और मुझे नहीं पता कि इसका नाम ब्यूटी ऑफ वाइट स्पेस क्यों है, क्योंकि वैसे तो रेड कलर का ही है, तो पता नहीं क्यों नाम दिया है। और साथ ही में इस गाड़ी में आपको चारों डिफरेंट सीट्स के लिए आपको हीटिंग, आपको वेंटिलेशन और बाकी आपको मसाजिंग का फंक्शन मिलता है, तो अगर आपको ऐसे आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठना है बैठ सकती है। और मैं मानता हूँ कि इस वाले प्राइस रेंज में बेस्ट इंटीरियर है, क्योंकि आपने शायद ही 1 करोड़ की गाड़ी में देखा हो, जो कि आपको 50 लाख के दाम में मिल रहा है। फिर सेकंड हम आते हैं इस गाड़ी के इनोवेशन में, या फिर इस गाड़ी के टेक्नोलॉजी फीचर्स में, जो कि आपको काफ़ी सारे मिलते हैं और हमें काफ़ी मजा आने वाले हैं इस गाड़ी को देखने में। तो पहले इस गाड़ी में आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन मिलती है, या फिर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है इस गाड़ी के डैशबोर्ड में, जिसमें अगर आपको इस गाड़ी को अपने किसी भी ऑनलाइन वॉलेट से, फॉर एग्जांपल पेटीएम या फिर फोनपे, उससे अगर आपको कनेक्ट करना आप कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको पेमेंट करनी आप कर सकते हैं एक सिक्योर फॉर्मेट में, जिसमें अगर आप उंगली लगाएंगे उस स्कैनर पे तो ये पेमेंट हो जाएगी, और बाकी ऐसे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो काफ़ी एडवांस है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि मैं अपने फ़ोन से तो पे कर सकता हूँ अपने किसी भी गैस स्टेशन में, तो उसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको गाड़ी से उतरना ही नहीं है इस गाड़ी को चार्ज कराते वक्त या फिर फ्यूल कराते वक्त, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके ज़्यादा कुछ और है नहीं, क्योंकि आप मैकडॉनल्ड्स के अंदर तो इस गाड़ी को लेके जाएंगे नहीं। सेकंड, इस गाड़ी के अंदर आपको लॉन्च कंट्रोल मिलता है, जिससे क्या होता है कि इस गाड़ी की मैक्सिमम पावर और बाकी मैक्सिमम टॉर्क आपको सबसे कम RPM में मिल जाती है, जिससे अगर आपको इस गाड़ी को ऐसे भगाना तेजम तेजी और ड्रैग रेस में अपनी जीत फतेह करनी है, तो इस गाड़ी को आप ले सकते हैं, और काफ़ी बढ़िया फीचर है, जो कि आपको स्पोर्ट्स कार में मिलता है। थर्ड, इस गाड़ी के अंदर आपको एक्टिव साउंड डेडनिंग मिलती है, जिसमें इस गाड़ी में आपको ऐसे बहुत ही हाईटेक सी टेक्नोलॉजी मिलती है, जो कि आपके आसपास के एनवायरनमेंट से इन्वर्स साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि ऐसे कुछ ज़्यादा ही साइंस फिक्शन सा कुछ ऐसे अलग सा हो गया, जिससे इस गाड़ी के अंदर आपको ऐसे लीश साउंड मिलने वाली और ऐसे चुप चुप सब रहेंगे, और आपको ऐसे मजा आने वाला है। अगर आपको सोना है इस गाड़ी के अंदर ऐसे आराम से, तो आप सो सकते हैं, और ऐसे आपको रोल्स रॉयस में और आपको बेंटलीज में मिलता है, जो कि इस गाड़ी में आपको मिल रहा है। फोर्थ, इस गाड़ी के अंदर आपको ऑग्यूमेंटेड रियलिटी वाली आपको नेविगेशन मिलती है, और अब आप कहेंगे उसका क्या चुस्ला है, तो उसमें क्या होता है कि इस गाड़ी के टच स्क्रीन डिस्प्ले में अगर आपको फॉर एग्जांपल नेविगेशन कह रहा है कि राइट मोड़ना है, तो आपके नेविगेशन बार में सामने सड़क में ऐसे आ जाएगा कि राइट मोड़ो, ऐसे एरोस आ जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, थोड़ा समझाने में मुश्किल है, जो कि ऐसे कुछ ज़्यादा ही ऐसे एडवांस है और आपका दिमाग फट जाएगा। फिफ्थ, इस गाड़ी के अंदर आपको वायरलेस की पार्किंग वाला सिस्टम मिलता है, जिससे अगर आपको इस गाड़ी को अपनी चाबी से पार्क करना आप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी सही लगता है, और एक बटन दबाना आपको पी वाला कुछ ऐसे बटन होता है, और उससे आपकी गाड़ी पार्क हो जाएगी बढ़िया से एकदम, और आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में इस गाड़ी में आपको एक अल्ट्रासोनिक सेंसर मिलता है इस गाड़ी की पीछे वाली सीटों में, जिसमें वो देखता रहता है कि अंदर कोई धड़कन तो नहीं हो रही दिल की, फॉर एग्जाम्पल कुत्ते की या फिर कोई बच्चे की, और अगर आप भूल जाते हैं अपने बच्चे या फिर कुत्ते को इस गाड़ी के अंदर, तो आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगी कि बच्चे को लेके जाओ, क्या कर रहे हो, कैसे बाप हो, और आपको सारी ऐसे बढ़िया मजा आ जाएंगे। तो ये तो बात हो गई इस गाड़ी के बढ़िया वाले टेक्नोलॉजी फीचर्स के बारे में, या फिर इनोवेशन के बारे में, जो कि आपको काफ़ी सारी मिलती है। और अब आते हैं इस गाड़ी की शक्ल पे, इस गाड़ी की सूरत में, या फिर इस गाड़ी की लुक्स में, जो कि आपको काफ़ी सही मिलती है। तो आपके सामने चार गाड़ियाँ आ रही है, जो कि जेनेसिस GV70, ऑडी Q5, BMW X3 और बाकी मर्सिडीज GLC। और आपको बताने कौन सी बेस्ट लगती है और बाकी कौन सी वर्स लगती है। मुझे वर्स लगती है GLC और बाकी बेस्ट लगती है BMW X3। तो सामने इस गाड़ी में आपको काफ़ी बड़ी ग्रिल मिलती है, जो कि ऐसे बढ़िया लगती है क्रोम वाली, और बाकी साथ ही में इस गाड़ी में आपको 8 डिफरेंट लाइटें मिलती है। और आप कहेंगे 8 कैसे है, तो 8 ऐसे कि इस गाड़ी में आपको जो सामने की 2 लाइटें हैं आपको 4 में डिवाइडेड मिलती है, और पीछे भी आपको जो 2 लाइटें हैं 4 में डिवाइडेड मिलती है। तो बेकार जोक था मुझे पता है, लेकिन आपको मिलता है।
इसमें आपको साइड में अप टू 21 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो कि काफी बड़े लगते हैं इस गाड़ी के हिसाब से। और बाकी साइड में इस गाड़ी में आपको जो थर्ड वाला पैनल मिलता है ग्लास का, थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि कॉपी करा हुआ है पोर्शन 928 GTA से, और मुझे पता नहीं कि करा या नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ कि करा है क्योंकि एग्जैक्ट सेम लुक्स है। और पीछे इस गाड़ी में आपको डुअल मफलर वाला डिजाइन मिलता है इस गाड़ी की बम्पर में, जिसमें आपको दो डिफरेंट एग्जॉस्ट मिलते हैं, और साथ ही में इस गाड़ी में आपको जेनेसिस का लोगो मिलता है जो कि काफी सही लगता है। तो मैं मानता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग गाड़ियों में से एक है अपने सेगमेंट की, क्योंकि भले इस गाड़ी में आपको थोड़ी बेढंगी लुक्स मिले लेकिन आपको कुछ अलग सा मिलता है। और बाकी जो सारी आती है X3 या फिर GLC वो तो सेम लगती है इतने सालों से, तो कुछ ऐसे इनोवेशन ही नहीं है। अगर हम आते हैं इस गाड़ी की ताकत में तो वो आपको तगड़ी मिलती है, जिसमें इस गाड़ी में आपको तीन डिफरेंट इंजन फॉर्मेट्स मिलते हैं। जो इसका बेसिक वाला वेरिएंट है उसमें आपको मिलेगा 2.2 लीटर का डीजल इंजन, जिसमें आपको 210 हॉर्स पावर मिलेगी जो कि बहुत ही सही है। अगर आपको थोड़ी और पावर चाहिए तो इस गाड़ी में आप इसका ले सकते हैं 2.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 304 हॉर्स पावर मिलती है। और अगर आपको ऐसे पूरा भगवान है मुझे लेना इस गाड़ी में, तो इसका आप ले सकते हैं 3.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 380 हॉर्स पावर मिलती है, और वो भी आपको ऐसे कुछ ज़्यादा महंगा सा नहीं मिलता, सही उसमें आपको पावर मिलती है काफ़ी सही दाम में। और यही था इस गाड़ी के बारे में। जो प्राइस है इस गाड़ी का अभी तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन क्रिटिक्स कह रहे हैं कि इस गाड़ी का प्राइस होने वाले $40,000 से लेकर $70,000 के बीच में अमेरिका में, जो कि मैं मानता हूँ कि टोटली वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि आपको इस दाम में बाहर GLC भी नहीं मिलती, तो अगर आपको ये गाड़ी मिल रही है क्या बुराई है। और इंडिया में भी थोड़े बहुत एक्सपेक्टेंसी है इस गाड़ी के लॉन्च की, क्योंकि जेनेसिस जैसे कि हुंडा का ब्रांड है तो इंडिया में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि अगर हुंडा इंडिया में तबाही मचा रही है, अगर किया इंडिया में तबाही मचा रही है, तो ये वाला ब्रांड में मचा सकता है। और इंडिया में अगर इस गाड़ी का प्राइस 50-55 लाख के आसपास का मैक्सिमम होता है, तो मैं मानता हूँ कि टोटली वैल्यू फॉर मनी है, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिलने वाले, आपको बेस्ट लुक्स मिलने वाली है, और क्या बुराई है इस गाड़ी को लेने में इतने दाम में। और लास्ट में हम आते हैं इस गाड़ी के अंकों में या फिर इस गाड़ी के मार्क्स में, तो इस गाड़ी ने गेन करे 4.5 स्टार्स की रेटिंग या फिर 90% के आसपास के मार्क्स है, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत ही तगड़े है। और बाकी अगर आप देखें तो मार्क्स कटे इसलिए है क्योंकि जो ब्रांड वैल्यू इस कंपनी की इतनी कुछ खास नहीं है एज कम्पेयर टू मर्सिडीज या फिर BMW। तो बाकी फिर आप कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपको जेनेसिस GV70 एक तगड़ी गाड़ी लग रही है, और क्या आप इसे खरीदना पसंद करेंगे। इंडिया में 50-60 लाख के दाम है। और बाकी जो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट वाले बटन आपको दबा देने हैं। और इस वाले एपिसोड का लाइक टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का। और बहुत ही शुक्रिया आपको ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।